आई थिंक कि एक क्वालिटी जिसका हम उसे नाम नहीं दे सकते हैं, इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, खूबसूरत होना ज़रूरी है, और खूबसूरत का मतलब है कि अट्रैक्टिव क्वालिटी, जहाँ पे आप उस शख्स को देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं. आई थिंक दैट काइंड ऑफ क्वालिटी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं. और एक एक चाह कुछ एक जिद वो अपने लाइफ के साथ कुछ करना चाहती हैं, अपने आप को साबित करना चाहती है, वो एक उनमें दिखना चाहिए. सर दोबारा सारी चीजें हिंदी में. यार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज. मुझे लगता है कि मोहिनी जी ने और उनके जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने एक मंच दिया है इतनी सारी औरतों के लिए, अपनी जो उनका एक बचपन का सपना है उसे पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए, अपनी भीतर के जो टैलेंट्स हैं उस टैलेंट को एक मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो चमक सकती हैं, जहाँ पे वो सितारे बन सकते हैं. एंड आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग. लेकिन मेरे दिल को सबसे ज़्यादा जो अजीज़ बात है, जो छूती है, वो ये है कि मोहिनी जी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था जो है कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, जो पिछले 20 साल से हमने कई हज़ारों लाखों बच्चों की मदद की है जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं और बहुत मध्यम वर्गीय से भी नीचे तबके के हैं, जो गरीब किसान के बच्चे हैं, उनकी हमने मदद की है. और इस मदद में, इस मुहिम में मोहिनी जी और आज की सारी जो ब्यूटी क्वींस हैं, जो सारी कंपेटिटर्स हैं, अभी से नहीं बल्कि पिछले 4 साल से हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं. और मुझे बहुत खुशी होती है ये कहने के लिए कि पिछले 4 साल में आपके माध्यम से, आपके सारी कंपेटिटर्स के माध्यम से, हमने कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के लिए 3 करोड़ रुपए रेज किए हैं. और इस पैसे से 350 से ज़्यादा नन्ही जाने जिनको कैंसर है, गरीब घर के किसानों के बच्चे, उनकी मदद हुई है, उनकी जानें बचाई गई हैं. सो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया. मैं हमेशा ये सोच रखती हूँ, और मानती हूँ कि हम सिर्फ जरिया होते हैं. तो मैं खुद को और इस प्लेटफॉर्म को एक जरिया कहना चाहूँगी कि मैं हर साल हज़ारों लेडीज़ को इस संस्था से जोड़ सकी और ये जरिया बनकर फंड रेज कर सकी और कहीं पे मदद पहुंचा सकी.